के बना आज मिलने वाले राजू गिरी से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आई नो मतलब मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों ने मुझे देखा होगा, देख सकते हैं मैंने बाल भी कटवा लिए अपने एंड मैं एटलीस्ट 10 दिनों के बाद में व्लॉग डाल रहा हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट लगा दिया वीडियो डालने में, बट यार अब कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी एंड इसी वजह से व्लॉग नहीं आ पाया। बट अब कोई टेंशन की बात नहीं है, अब हर 2 दिन में व्लॉग आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो, बाकी कर रखा है तो दिल से थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और अभी शाम का समय एंड मैं अपने छत पर आके खड़ा हूँ, देख सकते हैं आप लोग, फिलहाल व्यू ले रहा हूँ मैं शाम का, तो लेट्स इन्जॉय द व्यू। बाकी आपको नहीं दिखाऊंगा यार, फिर पुराने ऑडियंस को पता ही होगा कि किस तरह मैं अपने वीडियो में बस व्यू 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 ही दिखाते रहता हूँ। वो देखो उधर छत पे बंदर बैठा है, उस बंदर से याद है अभी कुछ दिनों पहले मेरे घर पे बंदर आया था, मैंने वीडियो बनाई थी, देख लो थोड़ा उसको भी। तो कुछ दिनों पहले हमारे घर पे आई हुई थी बंदरों की टोली, और बंदरों की टोली में से एक मेंबर हमारे पास आके बैठ गया। घर पे इधर क्यों आके बैठा है अरे, और ये देखो ये 2 बंदर बैठे हुए हैं और वो दूसरा वाला नज़ारा देख रहा है, और ये भाई साहब अभी तक इधर ही बैठे हैं। तो मैं बस वीडियो बनाते बनाते सोच रहा था कि ये बंदर देख क्या रहा है, क्या सोच रहा होगा नज़ारे देख के, लेकिन उसने नहीं, इन भाई साहब के दांत देख के मैं डर गया। और भाई जो इसने दड़ाया ना मुझे, उसके बाद ये दूसरा वाला सीधा साधा बंदर था, तो बाद में मैं इसे वीडियो बनाने लगा। फिर क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो में बने रही है। और इधर बंदरों की टोली ऐसे ही बैठी हुई है एंड हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त ये रहा, और ये जंगली के पैर छूते हुए अंदर थे। क्या मांग रहा है भाई बंदर से, पता नहीं क्या मांग रहा है, चलो जाए दो। और वो देखो इधर बंदर लोग मस्ती कर रहे थे अपने, पता नहीं क्यों इनको हमेशा कपड़ों से ही मस्ती करनी होती है, इनको हमेशा रस्सी पे लटकना होता है। बाय द वे चलो आज के लिए बंदर कथा इतनी थी, फिर मिलते हैं कभी और दिन किसी और दिन। और ये पता नहीं क्यों भाग गया भाई, भाग तो गया, चलो वीडियो में वापस चलते हैं। अभी रात हो चुकी है एंड मैं अभी काम कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल का, यूट्यूब का काम करा था थोड़ा बहुत एंड खाना पीना खा लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो आपसे मिलते कल सुबह 4 बजे। वो पता लगे कि मैं सुबह 4 बजे उठ नहीं पाया, क्योंकि यार यूट्यूब का भी काम है प्लस पढ़ाई भी करनी है, इसलिए थोड़ा शेड्यूल थोड़ा टाइट हो गया। वो पता लगे कि मैं अपने टाइट शेड्यूल को भी फॉलो नहीं कर पाता हूँ, फिर मैं सुबह 4 बजे उठा भी नहीं और मैं स्कूल भी नहीं गया। स्कूल में इसलिए नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था, सोचा था आराम करूँगा। क्या ना, मैं एक वीडियो पे काम कर रहा था जो कि स्टोरी टाइम वीडियो जो रियल में मेरे साथ हुआ है, तो वो मेरे सेकेंड चैनल पे मैंने अपलोड किया है। अगर तुमको वो वीडियो देखना हो तो उसकी लिंक मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देखना हो तो देख लेना। बाय द वे फिर मैं सुबह को उठा भी नहीं, सोचा था आराम करूँगा इसलिए स्कूल नहीं गया, और आराम मैंने बिल्कुल नहीं किया। मतलब मम्मी आज छुट्टी का पूरा फ़ायदा उठाया मम्मी ने, झाड़ू पोछा जितना काम था ना सबका सब मुझसे कराया, 12 तो ऐसे ही बच गए काम करते करते, और फिर भी मम्मी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, अभी पूरा दिन काम कराया। फिर आखिरी में मम्मी बोलती कि यार रिश्तेदारों के सामने कोई काम नहीं करता लड़का, कोई काम नहीं, और वीडियो बनाओ के अब तुमको तुम ही बताओ यार, पूरा दिन जब काम ही करूँगा तो तुमको व्लॉग में दिखाऊँगा कि अपना काम, फिर तुम क्या बोलोगे यार यार झाड़ू पोछा लगा रहा है वो भी दिखा रहा है। इतना ही नहीं, मुझे तो मेरे एक रिलेटिव ने बोला भी था, याद है वो लड़के भी काम करते वाली वीडियो, कि भाई देखो काम करते हुए दिखा रहे हैं, भाई जो करूँगा वही दिखाऊँगा ना यार। तो सही बताऊँ तो आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा झंड हो चुकी है, पूरा का पूरा दिन काम घर के काम करने में निकल जा रहा है, जब से मम्मी की तबीयत खराब हुई है तब से, और मम्मी की तबीयत नहीं भी खराब थी ना यार, तो मतलब ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है। ऐसा मन कर रहा है कि ज़िंदगी में लाइफ में कुछ एडवेंचर रह ही नहीं गया यार, कुछ फन रह ही नहीं गया, ऐसा मेरा मन करता है। ये मेरी मन की बात है जो मैं तुम लोग को बता आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब यार सही में किसी कोई कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा पूरी लाइफ बोरिंग हो चुकी है, कुछ भी करो तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है, फन नहीं रह गया ज़िंदगी में, कुछ एडवेंचर हो नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा घटिया हो चुकी है लाइफ, स्ट्रेस हो चुका है, एंग्जाइटी होती है अभी मेरे को अपने चैनल्स की और फ्यूचर की भी और लाइफ की भी, ऊपर से लोगों के ताने तो मतलब बंद ही नहीं होंगे, जब से यूट्यूब चैनल चालू किया है हर बात के लिए मतलब ताने तो मिलते हैं यार, अब कोई ना हैटर्स जो होते हैं वो तो ताने देते ही हैं,
हम सबको इग्नोर मारना होता है, लेकिन फिर भी सारा घर का काम करते हुए आपको दिखा रहा हूँ, तो कोई ऑफेंड मत हो जाना कि देखो भाई घर का काम कर रहा है ऊपर से दिखा रहा है। अब यार मैंने एक यही क्लिप शूट किया था तो आपके साथ सोचा कि मन की बात भी शेयर कर देता हूँ और ये क्लिप भी शेयर कर देता हूँ। तो बस ऐसे ही मैंने साफ़ कर दिया पूरा का पूरा चूल्हा ही नहीं साफ़ किया था यार, और भी बहुत काम किया था, लेकिन पूरी वीडियो में सिर्फ अपना काम करना ही थोड़ा ना दिखाऊंगा। अच्छा भी नहीं लगता बार बार अपने काम करने वाले क्लिप्स को डालना, फिर भी डालना तो पड़ेगा, कुछ तो डालो, पूरा नहीं डालता तो क्या हुआ। तो गाइस रोड पे जो आप इतने सारे लोगों को एक साथ जाते हुए देख रहे हो, वो कोई धरना वरना नहीं चल रहा है, वो बच्चों की छुट्टी हुई है स्कूल से। जी हाँ, स्कूल से बच्चे छूटे, हमारे स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर शाम को सनसेट का प्यारा सा व्यू इंजॉय करते हुए मैंने चाय पी, चाय का मजा लिया। और गाइस अब चाय का नाम ले लिया, तो इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करो जो लोग चाय लवर है, जो आपके दोस्त चाय लवर है। तो गाइस आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं अपने फैमिली के साथ व्लॉग क्यों नहीं बनाता, मैं अपने फैमिली के साथ फैमिली व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड करता। नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ व्लॉग अपलोड कर सकता हूँ, तो करना, लेकिन मैं व्लॉग अपलोड इसलिए नहीं करता हूँ फैमिली के साथ व्लॉग क्यों नहीं डालता, ये तुम अभी देखो, मैं तुमको बताता हूँ क्यों नहीं करता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फोन कैमरा आज मिलने वाले राजू गिरी से, तो ये जो हम लोग देख रहे पीछे वो इंसान बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो गाइस अभी है रात का सीन एंड मैंने खाना पीना खा लिया है, और आज खाने में बनी थी मेरी फेवरेट आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी और मटर की सब्जी, एंड साथ में सेवई और रोटी। भाई मस्त खाना था जो भी हो। और अब मैं जा रहा हूँ सुने आपसे मिलके फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही था, आई होप यू गाइस इंजॉय इट। अगर वीडियो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब दबा ही देना यार, प्लीज़ लाइक कर देना, आप लोग तो जानते हैं यार दिल से बुरा लगता है, बुरा लगता है भाई आप लोग, तो लाइक करके ही जाना यार, इतनी मेहनत करो तो एक लाइक कर देना। और हाँ, वीडियो को शेयर करो, मतलब हाँ मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बस इस वीडियो को शेयर करना है 5 लोगों से, प्लीज़ रिक्वेस्ट। दिल का दरिया बह ही गया, बातें दिल की लफ्ज़ों की सच कह रहा हूँ, तेरी कसम तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे तेरे साथ तुझे कितना।